नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश के तहत हल्द्वानी वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हल्द्वानी के प्रभागीय वन अधिकारी के दिशा निर्देश पर गौलापार स्थित कालूखेड़ा कक्ष संख्या 1 और गाड़खरक बीट और अन्य वन क्षेत्रों से वन विभाग की टीम ने लगभग 7 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ साथ हल्द्वानी वन प्रभाग की ओर से 1500 विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश और प्रभागीय वन अधिकारी बाबूलाल के निर्देशों के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रखने का आदेश है। ऐसे में वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे जो हल्द्वानी डिवीजन में कुछ अतिक्रमण है वो काफ़ी सालों से कंटिन्यू चला रहा है। तो अभी 27 तारीख को ये छकाता रेंज का एक कालूखेड़ा ब्लॉक है, उसमें हमने 2.86 हेक्टेयर जमीन जिसमें खेती की जा रही थी उसको खाली करा के उस पर वृक्षारोपण कार्य करा दिया गया है। और इसी तरह हमारा अभियान चल रहा है पूरा। हम ऐसी ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं जिस पर खेती हो रही है, तो उसको लगातार खाली कराने का प्रयास हमारा रहेगा। सर, अभी जो कराई गई है कितनी हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई है और क्या क्या उसमें कराया गया है? 27 तारीख से पहले तक हमारे 27 हेक्टेयर करा चुके थे और 27 तारीख को हम 2.86 हेक्टेयर और खाली कराया है। जो भी हम खाली कराते जा रहे हैं उसमें हम प्लांटेशन करते जा रहे हैं। 28 तारीख को एक आदेश हुआ है काठगोदाम में धार्मिक स्ट्रक्चर को लेकर के, उसमें क्या? हाँ, उसमें ये हमने एक इवेक्शन ऑर्डर पास किया है और जो एक्ट में है उसमें ये प्राविधान है कि कम से कम आप 10 दिन का उसे समय देंगे पार्टी को। तो अभी हमने 8 तारीख तक का उनको समय दिया है कि 8 से पहले उसको आप जो भी स्ट्रक्चर है उसको हटा लें। 8 तक नहीं हटाते हैं तो देन वही हल्द्वानी में अब 1 मिनट में आपके हर खाद्य पदार्थ की जांच हो जाएगी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी मोबाइल टेस्टिंग लैब की सुविधा लोगों को प्रदान करनी शुरू कर दी है। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में सिंधी चौराहे के पास लगी खाद्य विभाग की मोबाइल टेस्टिंग लैब 1 मिनट में हर खाद्य पदार्थ की जाँच कर रही है। त्योहारों के मद्देनजर मिठाई हो या फिर अन्य खाद्य पदार्थ, 1 मिनट के अंदर खाद्य पदार्थों की प्राइमरी टेस्टिंग हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कालाढूंगी, रामनगर और हल्द्वानी में पिछले 3 दिनों में 150 से अधिक सैंपल चेक किए हैं। इस दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि यह मोबाइल टेस्टिंग लैब आम उपभोक्ताओं के लिए भी खुली है। चाहे लोग मिठाई का सैंपल कराएं या फिर अपने घर के दूध दही घी का सैंपल तत्काल 1 मिनट में चेक कर सकते हैं। एक सैंपल जांच की फीस केवल 50 रुपये रखी गई है, जो कि 1 मिनट में आपको यह जानकारी दे देगी कि आपका खरीदा हुआ खाद्य पदार्थ कितना शुद्ध है। वहीं मोबाइल लैब में मौजूद जूनियर एनालिस्ट ने बताया कि अधिकांश खाद्य पदार्थों की प्राइमरी टेस्टिंग 1 मिनट में हो जाती है। अगर किसी गंभीर मिलावट का अंदेशा होता है तो उसका सैंपल लेकर रुद्रपुर स्थित बड़ी लैब में भेजा जाता है और अगर मिलावट पाई गई तो संबंधित दुकानदार या उत्पाद बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देशों के अनुपालन में राज्य भर में जो है विभिन्न स्थानों पर जो है लगातार जो है खाद्य पदार्थ की मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में जो है नैनीताल जनपद में हम जो है मोबाइल खाद्य विश्लेषणशाला के माध्यम से लगातार रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, कालाढूंगी और अन्य स्थानों पर जाकर मौके पर ही जो है खाद्य पदार्थों की जांच कर रहे हैं। जांच कर व्यापारियों को एवं आम जनता को इसकी गुणवत्ता के बारे में बता रहे हैं। जो चीज़ें गुणवत्ता में खरी नहीं उतर रही हैं तो उनके बारे में व्यापारियों एवं आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। ये पिछले लगभग 4 दिन से हम लोग यहाँ अभियान चला रहे हैं कि लोगों को हम विभाग कार्रवाई तो करता है और सजाएं भी होती हैं, लेकिन पब्लिक में एक विश्वास पैदा करने के लिए कि त्यौहार के समय पर जो फूड से खा रहे हैं, वो जो खाना का सामान ले रहे हैं वो शुद्ध है, इसके लिए हम एक मोबाइल वैन लाए हैं जिसमें टेस्टिंग वैन है। इसमें जो मिल्कर मिल्क प्रोडक्ट है, मसाले हैं, तेल है और जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उनके टेस्ट हो जाते हैं। हम जगह जगह जाकर लोगों से, दुकानदारों से, लोगों से कह रहे हैं कि अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी चेक कराएं
और सामने ये देख लें कि उसमें शुद्धता है या क्या है। तो जहाँ हमें साधारण मिल रहा है, अधिकतर तो पास हो रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कमी दिखाई दे रही है, तो जहाँ थोड़ा बहुत कमी है तो वहाँ निर्देश दे रहे हैं, कई चीज़ें खराब हैं तो नष्ट करा दे रहे हैं। अभी कलम एक दूध में और एक घी में थोड़ा गंभीर उसमें शिकायत मिली, तो हमने दुकान पर जाकर उसकी सैंपलिंग ली है और उसको लैब के लिए भेजा है। अगर उसमें रिपोर्ट ख़राब आती है तो उसके खिलाफ़ केस दायर कर कार्रवाई की जाएगी। जो मोबाइल वैन घुमाई जा रही है, तो ये मोबाइल वैन कल जो हमारी पहले रामनगर में थी, उसके बाद एक दिन हम कालाडूंगी रहे, कल हमारी हल्द्वानी में थी और आज भी हम पूरे दिन हल्द्वानी में लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आएँ और अपने प्रोडक्ट्स के सामने जाँच कराएँ। और इसका जो रिएक्शन है, जो पब्लिक से रेस्पॉन्स है, वो बड़ा अच्छा मिल रहा है। तो लोग मतलब उनको अच्छा लग रहा है कि पहली बार उनको उनके सामने ही उनके प्रोडक्ट की रिपोर्ट देखने को मिल रही है, टेस्ट कैसे हो रहा है, तो अच्छा इनिशिएटिव है, आगे भी जारी रखेंगे इसको। ये खबर तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल की इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN News के साथ। धन्यवाद।